जब श्री जी की अत्यंत कृपा होती है तभी दुर्लभ लाभ प्राप्त होता है महापुरुषों ने कहा स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ है कारण से तुरीय श्रेष्ठ है तुरीय से ब्रह्म श्रेष्ठ है ब्रह्म से वैकुंठपुरी का सुख श्रेष्ठ है वैकुंठपुरी से श्री द्वारिकापुरी का सुख श्रेष्ठ है द्वारिकापुरी से श्री मथुरापुरी का सुख सर्वश्रेष्ठ है और मथुरापुरी से महामहिम ये ब्रज चौरासी कोष है इस ब्रज चौरासी कोष में महारानीजू का महल सर्वश्रेष्ठ है पूज्य पाद प्रातः लाडली लाडलीजू के अत्यंत लाडले पूज्य बाबा श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज ये हमारे ब्रजमंडल की विभूति लाडली लाडलीजू के निज परिकर हैं श्रीअंग सेवी हैं अपने जैसे अधमों का निस्तार करने के लिए ही ये महापुरुष जन पधारते हैं ये साक्षात श्री जी के निज अंग सेवी सहचारी हैं ये स्वामी जी की प्रिय किंकिरी हैं अपने चरण आश्रित जनों को श्री स्वामी जी तक पहुंचाने के लिए ये साधु वपु धारण किए हुए हैं बाहर से ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं ये इसीलिए धारण किया है कि इनके वचन इनके दर्शन इनके आश्रय से जो अत्यंत गूढ़ रहस्य है श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति वो प्राप्त हो अंतर्ष बाबा श्री प्रियाजू की निज किंकरी हैं वो जब गुरु कृपा से दृष्टि प्राप्त होती है तब अंतर स्वरूप का अनुभव होता है हमारी लाडली जू ही बाबा की जिव्या पर बैठ करके ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अहेतुकी कृपाल स्वामी जू तो अहेतुकी कृपाल स्वामी जू के निज परिकर नहीं तो अत्यंत दुर्लभ बात है मथुरापुरी से श्रेष्ठ ब्रजपुरी चौरासी कोशुष में श्रीधाम लाडलीजू का निज महल और इससे भी दुर्लभ बात है ऐसे महान भगवत प्रेमी महात्माओं की स्मृति में आना वो अपने जनों को लाडलीजू के चिंतन से चित्त को एक क्षण के लिए भी अपने चिंतन में लगा दिया एक क्षण भी हमारी तरफ देखे ये मेरी लाडलीजू के हेतु की कृपा है, है। गुण धर्म से प्रभावित होने वाले महापुरुष नहीं है कि कोई व्याख्यान सुनकर प्रभाव देख करके प्रभावित हो ये ब्रह्मा किसी भी प्रभाव से प्रभावित होने वाले महापुरुष नहीं ये केवल लाडलीजू की मुस्कान से प्रभावित होने वाले हैं हमारी लाडली जी महाराज की मुस्कान का ही प्रभाव उनकी ये मेरा है बस ऐसी दृष्टि का प्रभाव कैसे निष्किंचन परमहंस श्री जी की नित्य सेवा में आंतरिक भाव स्वरूप से समर्पित पूज्य लाडली के लाडले बाबा श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज ये जो अमृत में वचन बोले ये केवल मेरी लाडली जो है उनकी अहतु की कृपा से ये मांगने से भी नहीं मिलता ये साधना से भी नहीं मिलता ये सौभाग्य बस केवल लाडली जो हमारी है इसी से प्राप्त होता है कोई वृंदावन के प्रेम में डूबा हुआ अनुरागी ऐसे शब्द बोल रहे जैसे पूज्य बाबा बोल रहे हैं। ये केवल लाडलीजू का अहतुकी कृपा प्रसाद दूसरा कुछ नहीं किसी का गुण किसी की तपस्या किसी की साधना किसी का वाक्य कौशल या ऐश्वर्य प्रभाव नहीं इसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता इन भगवत प्रेमी महापुरुषों के मुख से ऐसा अमृत में आशीष वचन ये केवल लाडनी दूसरे ये महापुरुषजन जो हमारे ब्रज की विभूति है ये केवल हमारे मंगल के लिए विराजमान है अहोभाग्य हम कह सकते हैं कि हमारे अहोभाग्य कि हम ब्रज में रहते हुए ऐसे महाप्रेमियों की स्मृति में है बस यही हमारे लिए सर्वस्व है जिनकी स्मृति अखंड तेल धारावत श्यामा श्याम में ही है वो एक सेकंड के लिए अपने जैसे अधमों का स्मरण कर ले, लाड़ली के हेतु की कृपा दूसरा कोई उपाय नहीं जीवन का यही परम लाभ कि कभी वो भगवत स्मृति में डूबे हुए प्रेमीजन एक क्षण के लिए हमारा स्मरण कर ले बस कि ये मेरा निज दास है ये अपना है ये मेरा बच्चा है ये कौन बोल सकता है अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए ये सदगुरु स्वरूप महापुरुष कैसे बोल रहे हैं अहे तुकी कृपा वात्सल्य उमड़ा तब वचन निकल रहे हैं और ये वचन मेरी लाडली के वचन है किसी अन्य के नहीं रूप केवल बाहर से दिखाई दे रहा अंदर से केवल लाडली ही बोल रही है अपने जीवन का परम लाभ यही है कैसे भगवत प्रेमी महात्मा जन एक बार अपनी वाणी से अपना कह दें बस ये महापुरुष जन अपना बोल देते हैं तो लाडली लाल हृदय से लगा लेते हैं वो ये नहीं देखते कि ये साधन विहीन है ये हमारे योग्य नहीं है कदापि नहीं है पर जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा बोल देता है ये लाडली का है वो बोल देता है बस लाडली स्वीकार कर लेती है इन्हीं गुरुजनों के आशीष से इन्हीं के वचनों के प्रभाव से ये अधम जीवन श्री जी के चरणारविंद की तरफ जो आकर्षित हो रहा है जहां प्यारोडुम क्षमते ने अच्छु सु नाम तु अध्यानगम जहां न देवीर ब्रह्मादे न ख भक्त न सुहदा दिवीर राधा मधुपति रहस्यम सुविदिता वहां हमारी वृत्ति पहुंच जाए सामर्थ्य की बात नहीं पर पहुंच गई वो इन्हीं लाडली के लाडलों की आशीष वृत्ति से इन्होंने करुणा करके देखा कि मेरा है बस इसी से हमारी बात बन गई कोई साधन कोई योग्यता भला इन महापुरुषों से बढ़कर जो ईश्वर कोटि के हैं किसी की योग्यता हो सकती है जब इनके लिए कह दिया गया यारदाजेशुक कैरगम्यम तो अपने जैसे पांच भौतिक देहधारी मन बुद्धि के अधीन बला हम जिनके अधीन कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण है उन लाडलीजू के चरणों का स्मरण भी कैसे कर सकते हैं हम राधा बोल भी नहीं सकते ये तो केवल इन महापुरुषों की जो वृष्टि है उसी वृष्टि से अंतःकरण धुल करके फिर गोरे चरणारविंद की निष्ठा श्री राधा नाम की प्रीति राधाधाम ब्रजरज की प्रीति प्राप्त होती है मेरी लाडली का ये लाडला स्वभाव है कि वो अपने जनों की वाणी में बैठ करके अपनापन जो अमोघ है वो हमें प्रदान करती है हमें चाहिए मन वचन कर्म से ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय कभी न छूटे प्राण छूट जाए पर आश्रय न छूटे तो लाडली लाल ऐसे करुणा में हैं निज जनों के संबंध का निर्वाह करते हैं उसी संबंध से हमको श्री लाडली लाल की प्राप्ति हो जाएगी पूज्य करुणा समुद्र वात्सल्य समुद्र बाबा के चरणों में कोटिशा प्रणाम है साष्टांग दंडवत है ऐसे महापुरुष ऐसे ही अपना बच्चा जानकर दुलार करते रहेंगे तो मुझे जैसे अधम को भी जू अपनी चरण सेवा में ले लेंगे वस्तुतः किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई साधन बल से या तप बल से या अपने प्रभाव से वहां पहुंच सके जानंत ब्रह्मांडों के स्वामी भी अपने प्रभाव का विस्मरण करके श्री जू महाराज के सामने कर जोड़े खड़े हैं वहां किसकी पहुंच है बस ये ब्रजो रजोप शेवी जो ये रसिक शेखर जन है इन्हीं की कृपा दृष्टि से संभव है श्री आधा की